प्रदेश के बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के डाइनिंग हॉल में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार की योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान प्रदेश के बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता ने सरकार के द्वारा चल रही योजनाओं तथा बच्चों के लिए कार्य कर रहे संगठनों की योजनाओं के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर संगठन के प्रतिनिधियों ने बताया कि लॉकडाउन के कारण बहुत से गरीब घर के बच्चे विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे थे तथा लॉकडाउन खत्म होने के बाद कुछ बच्चे घर छोड़कर भाग गए थे, जिसका कारण हम लोगों ने पता लगाया और पाया कि बच्चों के घर की स्थिति ठीक नहीं थी। उन्होंने बताया कि इसके लिए हम लोगों ने संगठन की तरफ से घर वालों के लिए 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता की तथा उनका कुछ बिजनेस शुरू करवाया, जिससे उनकी आमदनी हो पाए। इस अवसर पर जिला प्रोविजन अधिकारी सर्वजीत सिंह, बाल संरक्षण अधिकारी डॉक्टर सुमन शुक्ला, आशा ज्योति केंद्र के प्रभारी पूजा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। तो एक बार परिचय अटेंडेंस ये रिपोर्ट लखनऊ में, ठीक है। ब्रजेश जी है अपना, ठीक है। आप सबको देखते हैं परिचय के बाद बस ये जो संगठन है अपने काम कर रहे हैं बच्चों के लिए क्या क्या योजनाएं हैं, या अब तक जो सफल सफलीभूत हुई है या जो सरकारी योजनाएं हैं उन सरकारी योजनाओं के अंतर्गत एनजीओ ने जो काम किया है, क्या वो ब्रिजिंग सरकार की नीतियों के बीच में हुआ है। एक तो इंडिविजुअल वर्क है, एक इंस्टीट्यूशनल वर्क, तो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस के बीच में कुछ ब्रिजिंग हुई है। हमारे हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं लेकिन बच्चों के लिए तमाम योजनाएं नीचे तक नहीं पहुंच पाती। जरूरी नहीं कि सरकारी स्तर पर सारी 50% की जिम्मेदारी पर हम ये समझते हैं कि बाकी जो गैर सरकारी संस्थाएं उनका सेतु बनाने का काम है, ये चीज़ें यहाँ से वहाँ तक पहुँचे। मुख्यमंत्री जी भी यही दृष्टिकोण रखता है कि योजना न केवल हो बल्कि वो नीचे तक कैसे उतरे, नीचे तक पहुँचे। तो नीचे तक पहुँचेगी तो फिर लाभान्वित भी होंगे, बेनिफिशियरी भी हमारे होंगे। तो ये दृष्टिकोण होता, तो एक एक करके थोड़ा सा जो अपनी सोसाइटीज हैं उसमें क्या काम कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट अगर बना है तो थोड़ा सा पता लग जाएगा हम लोगों को। और कोई प्रिंटेड डॉक्यूमेंट दिया अगर है, कोई रिपोर्ट अगर कोई बनाई है, ऐसी कोई रिपोर्ट, कोई SOP इस तरीके की कोई बनी है या अपने अपने लेवल पर क्या क्या काम किया है उससे पता लग जाएगा हम लोग। थोड़ा सा NCPCR उसमें भी जाना तो रहता है बराबर, तो थोड़ा सा जरा उसे डाटा बेस कुछ हो तो जरा बताइएगा मुझे। सड़क के बच्चों के साथ डीलिंग करने का एक अलग मैकेनिज्म होना चाहिए, आप ही काफ़ी अच्छे से समझ रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया कि दो पॉइंट अभी पे काम करना शुरू किया। एक तो गांव पे जाकर के कि बच्चे आखिर घर से भाग क्यों रहे हैं, वो समस्या निकालने को इसकी। दूसरा, जो बच्चे ऑलरेडी भाग चुके हैं उनके लिए रिहेबिलिटेशन प्लान डेवलप किया जाए। तीसरा, हमको ये समझ में आया कि जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है गोरखपुर में या कहीं पर भी, वहाँ पर ऑलरेडी लोड है, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, उसके बावजूद क्या होता है कि जो सिस्टम बना हुआ है कि एक बच्चे आए, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अपना उनके साथ प्रोसेस की और बच्चे वापस घर चले गए, उसके बाद वो बच्चा क्या हुआ, वापस आ रहा है नहीं आ रहा है, ये हम लोग ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रिसोर्सेज उसमें अभी नहीं डेवलप हो पाया है और हर जगह एक लिमिटेड टीम है। हमारे टीम मेम्बर के एक लोग हैं, गवर्नमेंट की जितनी सारी स्कीम्स हैं 350 स्कीम आज के डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और गवर्नमेंट ऑफ यूपी की मिला करके, जिससे कि लोगों को जोड़ सकते हैं हम लोग, वो सारे स्कीम्स को हम लोग एक सिस्टमेटिक एक डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कि कैसे क्या हटता है, किसमें कैसे किसको जोड़ना है, क्या करना है। विभाग से भी हमने बात किया, यहाँ से भी स्कीम को सारे जो भी बच्चे आ रहे हैं, जैसे CWC में एक बच्चा प्रेजेंट हुआ तो हम चाहते हैं कि CWC में हमारे लोग उनके साथ बच्चे को उनका डिटेल्स नोट करें, उसके बाद उसके घर पर जा करके उसको कौन कौन सी स्कीम से जोड़ सकते हैं सरकार की, उस स्कीम से जोड़ें जिससे कि आगे फिर
दोबारा चांस न हो कि वो बच्चा फिर से सड़क पर या अपने घर से भगे, क्योंकि घर से भगने का जो मुख्य कारण समझ में आया है वो ये आया है कि घर में माँ बाप के बीच में तकरार है, या तो स्टेप फादर है या तो स्टेप मदर है, वो एक रीजन है। दूसरा जो बड़ा रीजन है वो है लाइवलीहुड का, कि घर में लाइवलीहुड नहीं है इसलिए बच्चे कमाने के नाम पे घर से बाहर निकल रहे हैं। ये है सामान उनको खरीद के दिलवाया गया है, अगर वो ठेला किराए पे ले रहे हैं तो ठेला दिलवाया गया है किराए पे, और सब्जी की दुकान करनी है तो सब्जी उनको दिलवाया गया है। फिर अगर उनको कुछ आमदनी है कुछ स्लैब हो गई है परिवार, हाँ उनकी आमदनी निश्चित रूप से सब परिवारों की बढ़ी है, 57 परिवार थे उसमें से पता 12-13 परिवार ड्रॉप आउट है, बाकी परिवारों की फैमिली होते हैं एक्चुअल फैमिली, कुछ तो ऐसे सो कांड फैमिली होते हैं, एक बच्चा स्टेशन पे आया हम वहाँ पे खड़े हैं तुम मेरे बेटे हो मैं तुम्हारा चाचा हूँ, ऐसे होता है। ये सो कांड फैमिली भी है और फैमिली भी है, दोनों सिचुएशन है। ऐसा कुछ किसी और के गए या कोई और ठेकेदारी जो नहीं ऐसा जो 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 सो कांड फैमिली वाले हैं वो बच्चे भी से जो बच्चों को सपोर्ट कर रहा है बच्चों की फैमिली को वो उनके ही बच्चे हैं, जो हम लोगों के पता चला है वो उनके ही बच्चे हैं, सो कांड वालों को नहीं। और जो